PMLN has clearly won a mandate from the people of Pakistan, and I think the people of Pakistan will now come together under the umbrella of PMLN, and PMLN has to get to work. We accept this result with all humility, and we now need to roll our sleeves and go to work for the people of Pakistan and implement the plans that we have laid out during our campaign, especially addressing the economy, the energy crisis in Pakistan, and the law and order situation. जितने भी लोग ये सारे मैदान में थे उनके बावजूद मियां नवाज शरीफ ने और मियां शहबाज शरीफ ने अपनी जद्दोजहद अपनी काबिलियत के सर पे जो भी ये इलेक्शन जीता है हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी तमाम नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं और हम उनसे यही तवक्को रखते हैं कि जो उन्होंने हमसे वादे किए हैं वो इंशाल्लाह पूरे करेंगे। खास तौर पर पाकिस्तानी नौजवानों का शुक्रगुजार कि जो मैंने इस इलेक्शन में उनका जुनून देखा, मेरी 17 साल की सियासत में कभी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जिस तरह ये नौजवानों का जोश जज्बा देख के, जिस तरह उन सबको पे निकले, जिस तरह उन्होंने जश्न बनाया इलेक्शन से पहले ही, तो मैं आपका शुक्रगुजार खास तौर पर इसलिए हूँ कि हार जीत मैंने जिंदगी में बड़ी देखी है, लेकिन ये हार की सारी तकलीफ चलेगी वो जब मैं आपका जुनून मुझे याद आता है। मैं अपनी ख्वातीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कभी इतनी तादाद में ख्वातीन ने निकली वोट देने की, और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, एक अहम चीज़ है कि हमारी ख्वातीन ने भी फैसला किया है कि वो भी पाकिस्तान की तकदीर बदलने में, एक नए पाकिस्तान बनाने में अपना रोल पैदा करेंगे।